उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने के लिए प्रदेश सरकार कड़े कदम उठा रही है। होम स्टे में काम करने वाली महिलाओं बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए पर्यटन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से बनाए गए होटल और रिजॉर्ट को सील किया जाए। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी होम स्टे या रिजॉर्ट में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए तत्काल एक सख्त नियमावली बनाए कि जो भी महिला या लड़की होम स्टे में काम कर रही है उसकी पूरी जाँच हो, ताकि इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ साथ मैंने पर्यटन विभाग को ये भी निश्चित निर्देश दिए हैं कि वो लोग इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी अबला के साथ, नारी के साथ इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, तो इसके लिए व्यवस्था करें और ऐसा नियमावली बनाएं कि जो भी महिला काम कर रही है होम स्टे में उसकी पूरी जांच हो और पूरी उसका प्रबंध हो, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है। दिक्कत यह है कि महिलाओं को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। जगह जगह पर नेताओं के होर्डिंग बैनर पोस्टर की जगह पे हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए। महिलाओं को पता होना चाहिए कि जब हमारे साथ अंकिता जैसी कोई हरकत कोई करे, कोई दबाव बनाए, तो हमें सही डायरेक्शन में किसका दरवाज़ा खटखटाना है। अंकिता के केस में हमने देखा, क्योंकि अंकिता को पता नहीं था कि मैं किससे अपना दर्द साझा करूं, तो वो अपने दोस्त से कर रही थी। सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि इसलिए सख्त नियमावली बननी चाहिए। कल इस संबंध में पर्यटन मंत्री ने भी जो पर्यटन सचिव हैं सचिन कुर्वे जी को, उनको निर्देश दिए हैं कि इसके लिए एक नियमावली तैयार की जाए। जो महिलाएं जिस रिसोर्ट अथवा जिस होटल, इन जिन स्थानों पर काम कर रही हैं, उनका रिकॉर्ड पूरा रखा जाए और उनकी सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं, उसके लिए सख्त से सख्त नियमावली की आवश्यकता है। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के बाद अब नए सिरे से महिला सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई है। होटल और रिजॉर्ट में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में जल्द नियमावली बनाई जाएगी। प्रदेश के पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। होटल, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस में काम कर रही महिलाओं का पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड में रखा जाएगा, जिससे इस तरह की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।